और यहाँ पे फोन पे है बाय डिफॉल्ट, लोकल म्यूजिक कर देते, देखिए यहाँ पे आ चुका है, बस एक बार रिस्टार्ट कर देनी है वॉच, ठीक है। तो गैस हम यहाँ पे आ चुके हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे, और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे सपोज़ हमको इस वॉच को कनेक्ट करना है अपने लैपटॉप से, और कैसे सॉन्ग्स को डालना है वो मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आपको सिंपल सा काम करना है, सिंपल सा, सबसे पहले यहाँ पे इसको कनेक्ट कर लेना है इधर की साइड, ठीक है, और इसको लगाना है आपको USB केबल में, मतलब USB उसमें पोर्ट में इसको बेसिकली, ठीक है। और जैसे ही आप लगाओगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, देखो आ गया वहाँ पे, एक ड्राइव कनेक्ट हो चुकी है और मास स्टोरेज इसमें दिखा रहा है, वन सेकेंड, इसको थोड़ा सा टाइट करके रखना है आपको, देखो मास स्टोरेज दिखा रहा है, कनेक्टेड है। अब यहाँ पे आपको जाना है माई कंप्यूटर पे, ठीक है, ये देखो ये आपकी ड्राइव आ गई है, USB ड्राइव एफ, यहाँ पे आप सॉन्ग्स को डाल सकते हो, ठीक है। अब सपोज़ मैं सॉन्ग्स को डालता हूँ और चेक करता हूँ यहाँ पे क्या वो वाले सॉन्ग्स इसमें रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ठीक है, वो चेक कर लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फॉर्मेट कर देता हूँ इसको, ठीक है, आपके लिए यहाँ पे मैं फॉर्मेट कर देता हूँ, यहाँ पे सॉन्ग हट जाएगा फिलहाल, जो भी इसमें सॉन्ग पड़े हैं यहाँ पे फॉर्मेट हो गया, और यहाँ पे ओके, ठीक है। अब आप देखोगे कि वॉच में एक भी सॉन्ग नहीं मिलेगा आपको, एक भी सॉन्ग, यहाँ पे अगर मैं इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ वॉच को, मैं आपको दिखाता हूँ, अब इसमें एक भी सॉन्ग नहीं होगा। यहाँ पे रिमूव, पहले रिमूव कर लेना है आपको ड्राइव, देन ओनली निकालना है, नहीं तो डाटा लॉस्ट हो सकता है। दोबारा कनेक्ट हो गया है तो लग रहा है, नो तो यहाँ पे जैसे ही आप जाते हो म्यूज़िक प्लेयर में, म्यूज़िक प्लेयर में कोई भी म्यूज़िक नहीं है, यहाँ पे देख सकते हो नो म्यूज़िक इन द वॉच, बट अब डालते हैं यहाँ पे सॉन्ग को। कैसे डालना है आपको, यहाँ पे कनेक्ट करना है पहले तो इसको, यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है और वहाँ पे आ चुका है वो, ठीक है, यहाँ पे इसमें एक भी सॉन्ग नहीं है, ठीक है। बट आपको ध्यान रखना है इसमें डायरेक्टली सॉन्ग नहीं डालना है, अगर डायरेक्टली आप वहाँ से सॉन्ग डालोगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से फोल्डर में से सॉन्ग डालता हूँ, यहाँ पे सपोज अगर मैं यहाँ से सॉन्ग डालता हूँ डायरेक्टली तो वहाँ पे नहीं चलेंगे, जैसे कि विनिंग वाला एक मैं सॉन्ग डालता हूँ वही वाला, यहाँ पे ड्राइव एफ, ठीक है, चला गया सॉन्ग। अब इसको डिस्कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे रिमूव, सेफ रिमूव करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये रिमूव हो चुकी है। अब यहाँ पे चेक करते हैं वो सॉन्ग आया कि नहीं, तो मेरे ख्याल से तो नहीं आया होगा, देखो नहीं आया है। तो बहुत सारे लोग ये कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि मतलब सॉन्ग नहीं आ रहा है इसमें कैसे आएगा, तो मैं बताता हूँ आपको करना क्या है, आपको इसको वापस लगा लेना है, कनेक्ट हो गया। अब आपको एक सिंपल सी ट्रिक आजमानी है, वो ट्रिक क्या है, आपको माई कंप्यूटर पे जाना है, वापस से ड्राइव में जाना है यहाँ पे, और ये देखो गाना पड़ा है तब भी नहीं शो कर रहा है, तो आपको करना क्या है, म्यूज़िक फोल्डर बनाना है, एक M कैपिटल में होना चाहिए, इस तरीके से म्यूज़िक फोल्डर बनाना है। अब म्यूज़िक में अगर ये वाला उठा के डालते हो सॉन्ग, अब इसको रिमूव करते हैं और चेक करते हैं हम, अभी हो नहीं रहा एक्चुअली, इसको कहते हैं, अब दोबारा करते हैं, इसको रिमूव, हट चुका है। अब गैस यहाँ पे सॉन्ग आ जाना चाहिए, थोड़ा सा वेट करना है आपको। सपोज़ अगर इसमें सॉन्ग नहीं शो कर रहा है अभी भी, तो एक बार रिस्टार्ट कर लेना है आपको अपनी वॉच को, ठीक है, फिर चेक करना है आपको, आ जाएगा इसमें सॉन्ग। यहाँ पे हम करते हैं रिस्टार्ट, पावर ऑफ, अब रिस्टार्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे जाना है और नीचे जाना है और यहाँ पे म्यूज़िक पे जाना है आपको, और यहाँ पे फ़ोन पे है बाय डिफ़ॉल्ट, लोकल म्यूज़िक कर देते, देखिए यहाँ पे आ चुका है, बस एक बार रिस्टार्ट कर देनी है वॉच, ठीक है। इस तरीके से आप बहुत सारे सॉन्ग्स डाल सकते हो इन द वॉच इटसेल्फ, और भी सॉन्ग डालने हैं आपको, सीधे कनेक्ट करना है बस इसको, एक बार कनेक्ट करने के बाद सारे के सारे सॉन्ग को सेलेक्ट करना है, यहाँ से कॉपी करना है, डायरेक्टली नहीं डालना है, डायरेक्टली डालोगे तो नहीं आएगा उसमें, तो यहाँ पे कॉपी करना है, माई कंप्यूटर खोलना है, माई कंप्यूटर खोलने के बाद ड्राइव खोलनी है, ड्राइव खोलने के बाद म्यूज़िक में आपको जाना है, यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है सारे सॉन्ग। अब यहाँ पे एक एक करके सब पेस्ट हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉन्ग्स को ट्रांसफ़र कर सकते हो इन द वॉच इटसेल्फ थ्रू OTG या लैपटॉप के थ्रू, किसी से भी आप कर सकते हो। तो गाइस ये वीडियो कैसी लगी मेरे को ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, वैसे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो गाइस, बेल आइकन कॉल कर सकते हो, इस वीडियो को शेयर करो ताकि औरों को भी इंफॉर्मेशन मिल सके, और लोग परेशान रहते हैं कैसे क्या ट्रांसफर करना है सॉन्ग्स को, तो मैं आज आपके सामने लेके आ चुका हूँ, ठीक है। ये लेटेस्ट वीडियो है और गाइस शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो, मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।